सृष्टि स्वभावतः इस सूत्र को नित्य परिभाषित करती है। इस घोष अथवा इस भगवदीय प्रवृत्ति को जो शास्त्र में उल्लेखित है कि वो एक अनेक हो गया, एको हम बहुश्यामः। यहां जो बहुलता, विविधता, वैविध्यता, बहुरूपता है सृष्टि में, जो ये नानात्व है, नानात्व का अर्थ है विभिन्नता, नाना प्रकार, विविध प्रकार, अनेक प्रकार, बहु प्रकार। तो कोई एक अनेक प्रकार से है, प्रकारांतर भिन्न है, एक जैसा कुछ भी नहीं है, एक जैसी आकृति, एक जैसा रूप, एक जैसी छाया, प्रतिच्छाया, आभा, दीप्ति, किरणों में भेद है, चंद्र किरणों में, सूर्य की रश्मियों में भेद है, कहीं उग्रता, उष्णता, मंदता, तीव्रता, कहीं अधिक उजास, कहीं मंद प्रकाश। एक सूर्य की किरणें भी भिन्न भिन्न हैं, फिर उनकी छाया, प्रतिछाया, उनके फिर अनेक बिंब, प्रतिबिंब, वो एक ही, उसकी एक तत्व की अनेक प्रतिमूर्तियां, पात पल्लव, एक वृक्ष के एक जैसे पत्र नहीं, एक जैसे पुष्प नहीं, उनकी एक जैसी आभा गंध नहीं, एक जैसी सुगंध उनमें, एक जैसा मकरंद नहीं, एक ही बाली में विभिन्न अन्नों की संयोजता, धान की एक बाली, गेहूं की, जौ की, अन्न में वैविध्यता, हर कण की अलग पाचकता, पौष्टिकता, प्रत्येक कण में एक विविधता, एक अलग वैशिष्ट्य। एक वृक्ष के एक जैसे फल नहीं, पात पल्लव नहीं, एक जैसी प्रकृति नहीं, अंबर एक जैसा नहीं, हर दिवस का अंबर, सांझ एक जैसा कुछ भी नहीं है, पल पल परिवर्तन है, प्रतिक्षण प्रकृति में, शरीर में एक जैसी कोशिकाएं नहीं, कोशिकाओं में नित्य परिवर्तन है, उनमें नित्य मरण, क्षरण, क्षय, जन्म, उदय, जो शरीर की कोशिकाएं, जो ऊतक हैं, टिश्यूज, सेल्स, और उनमें पाचक रस, एक जैसे नख नहीं, एक जैसी त्वचा नहीं है, नित्य परिवर्तन है त्वचा में, नित्य उसमें वैसा आकर्षण नहीं, कभी उसकी मादकता, मांसलता, उसकी कमनीयता, उसका आकर्षण खो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम। निरंतर परिवर्तन है, निरंतर क्षय है, पर वो एक ही है, उसका उस एक का ये इतने अनेक रूपों में अनेक हो जाना उसका स्वभाव है। एको हम बहुश्यामः।